हेलो डियर अकाउंट बुस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है जो अभी अभी क्लास 11th में आए हैं कि हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एनटीएससी क्लियर किया हुआ है, जिन्होंने ओलंपियाड वगैरह निकाले हुए हैं, जिन्होंने 11th 12th की पढ़ाई पहले से की हुई है। हमारे क्लास में सर ने चैप्टर शुरू किया, फॉर्मूला लिखा, उससे पहले जवाब आ जाता है बच्चे का। ऐसे कई सारे हमारे मित्र हैं और ये काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है जब आप 11th जस्ट शुरू कर रहे होते हो, राइट। तो इसका क्या इलाज है, क्या आपको लगता है कि हम अभी भी जेई क्लियर कर सकते हैं? कई लोग पूछते हैं कि यार मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, वो लोग तो इतना बढ़िया पहले से जानते हैं, हाउ कैन आई पॉसिबली कम्पीट विद द स्टूडेंट्स, और AIR 1 AIR 100 तो छोड़ो, क्या मैं सेलेक्ट भी हो सकता हूँ? दिस इज अ वेरी कॉमन इनसिक्योरिटी अमंग अ लॉट ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम इसकी बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, पूरा खुलासा करके रख देंगे, एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन क्लियर जेई। यू कैन नॉट ओनली क्लियर जेई, आप अपनी फेवरेट IIT में भी जा सकते हो, आप ऑल इंडिया रैंक 100 भी ला सकते हो, आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी ला सकते हो, एंड तक जरूर देखना। एक अनाउंसमेंट रहेगी छोटी सी कि हमारा JEE 2024 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो जो भी बच्चे भी जस्ट 11th में गए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कोचिंग में, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहेगा। इसके अंदर आपको JEE क्लियर करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए सब कुछ दे दिया जाता है। दिस इज इंडियाज बेस्ट कोर्स फॉर JEE, और इसके अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लाइव आके ही पढ़ना है। जब आपको हम बताएं, आप जैसे घर पे आपको टाइम मिला और लगा कि यार ये चीज़ हमने पढ़ी थी, हमें समझ नहीं आई, आपने अकाउंट बूस्ट खोला, पढ़ा, समझ गए, DPP टेस्ट सीरीज जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ है, स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हो, अपनी कोचिंग के साथ पैरेलल में भी कर सकते हो, ठीक है। और बता देंगे इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, कब तक? ओनली टिल 24th of June, ठीक है, तो जरूर चेक करना उसको। चलिए बात करते हैं कि यार 11th का बच्चा कैसे JEE क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि उन्होंने पहले से चीज़ें पढ़ी हुई है, मैं बता देता हूँ ये पूरी तरह से गलत है। यूजली क्या होता है, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं ना क्लास 9th 10th में, उनमें से कुछ बच्चों को कुछ 4-5 चैप्टर पढ़ा दिए जाते हैं। कौन कौन से? वेक्टर्स पढ़ा दिया जाता है, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स थोड़ा बता दिया जाता है, NLM मान लो, मैक्सिमम वर्क पावर एनर्जी, और थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं आता है। केमिस्ट्री के अंदर भी मोल कंसेप्ट लोगों को यूजली आता है थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर मान लो, थोड़ा पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक के बेसिक्स, इससे आगे कोई कुछ नहीं जानता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर भी यूजली लोग थोड़ा बहुत सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस, इससे आगे कोई नहीं जानता है। आप अपने दोस्तों को जैसे ही कैलकुलस का सवाल दोगे क्लास 12th का, जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल दोगे क्लास 12th का, जैसे ही आप रोटेशनल मोशन का सवाल दोगे ना, उनकी उसी समय बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि उनको ये सब नहीं आता है, इनको केवल कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो पहले चीज़ दिमाग में ये घुसा कि उन्होंने क्या किया, 11th के कुछ बहुत ही सिंपल टॉपिक जो है ना स्टार्टिंग के, वो पढ़ लिए। अब मुझे पता है आप सोचोगे कि भैया हमें तो सिंपल नहीं लगते, हमें तो वेक्टर्स ही समझ में नहीं आया, क्या चल रहा है। मैं आपको बोलता हूँ कि ये चीज़ें ना पहली बार में डिफिकल्ट लगती है। आप ऐसा सोचिए, जब आप पहली कक्षा में थे या दूसरी कक्षा में जब थे, आपको पहली बार शायद नंबर्स के बारे में, एडिशन के बारे में पढ़ाया गया होगा। मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट क्लास में मैं था तो हमारी क्लास में मैडम ने एडिशन बताई थी कि कैरी ओवर हो जाता है, कि अगर हम 10+, जैसे हम करते हैं 12+19, तो 2+9 का 11 होता है, एक नीचे करके एक कैरी ओवर हो जाता है। ये हमें अभी सुनने में बड़ी स्पष्ट बात लगती है, लेकिन उस समय बच्चों को लगता था कि यार ये क्या कर दिया मैडम ने, ऊपर क्यों लेके गए इसको, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब आपको लगता है ये तो कुछ भी नहीं है यार, है ना। तो अभी आपके साथ वैसी चीज़ हो रही है, ये जो वेक्टर्स वगैरह है ना, ये सिंपल सिंपल चीज़ें, वेक्टर्स हो गई, मोल कंसेप्ट हो गई, ये जो अभी 11th के फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको अभी लग रहे होंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, भाई भाई क्या हो गया, ये आसमान से सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है, वो अभी आपको लग रहा है। आप केवल 2 या 3 महीने रुक जाओ, बस 2 या 3 महीने रुक जाओ, आप ऐसे 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 करोगे वेक्टर्स, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये सब। अभी आपने क्योंकि पहली बार ये चीज़ें पढ़ी ना, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रही है। अब उन बच्चों के केस में क्या, उन्होंने पहले से वो चीज़ें 1 साल पहले पढ़ ली थी, तो उनको वो चीज़ स्वाभाविक हो गई है। आप ऐसा सोचिए कि फर्स्ट क्लास का कोई बच्चा है ना, उसको जैसे एडिशन समझ में नहीं आ रहा, कोई बच्चा, उसकी मम्मी ने उसको घर पे सिखा दिया एडिशन, ठीक है, 2-4 महीने पहले बैठ के सिखा दिया, तो वो क्लास में उड़ेगा, मैम 1+1 एक कैरी ओवर हो जाएगा ऊपर, वो ऐसे बोल देगा। लेकिन क्या वो ज़्यादा होशियार है? नहीं, उसने जस्ट थोड़े पहले वो नॉलेज गेन किए। क्या इसका ये मतलब हो गया कि आगे चल के वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा क्योंकि उसे पहले से ये सब चीज़ें आती? बिल्कुल भी नहीं यार, लाइफ बहुत लंबी है, JEE प्रिपरेशन भी बहुत लंबी है, ठीक है। तो अभी जो असली पता चलता है ना किसकी रैंक आने वाली है, तो 12th में पता चलता है। अभी 11th तो आप सोच लो टेस्ट, ये ट्रायल मैच चल रहा है, अभी असली जो आपकी इनिंग है ना वो 12th में शुरू होगी। तो अभी आप में से जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे बगल वाले मित्रों को ज़्यादा आता है हमसे, हम रैंक नहीं ला सकते, ये पूरी तरह से गलत धारणा है। 3-4 महीने में सब चुप होने वाले हैं, 3-4 महीने में सब चुप होने वाले हैं, सब खामोश होने वाले हैं, सबके नंबर गिरने वाले हैं।
अब मैं यहाँ पे एक और बात भी बताता हूँ आपको कि इनमें से कई लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो पहले से पढ़ के आते हैं। इनको लगता है कि क्योंकि इनको चार पांच चैप्टर स्टार्टिंग के आते हैं तो इनको पूरी दुनिया आती है, और फिर गड़बड़ी चालू हो जाती है। क्योंकि बाकी बच्चे, जैसे आप ये वीडियो जो देख रहे हैं और जो रिलेट कर रहे हैं मेरी बातों से, वो बच्चा कॉन्शियस है कि मेरे को चीज़ें नहीं आती, वो पढ़ाई पर फोकस करेगा। ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है इनको सब पहले से आता है, और फिर धीरे धीरे डाउनफॉल चालू हो जाता है। याद रखिए, 2 साल की लंबी जर्नी है, 2 साल की बहुत लंबी जर्नी है ये। बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, बहुत उलटफेर होंगे, और आप उलटफेर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हम कैसे एम कर सकते हैं। ये तो चलो मोटिवेशन वाली बात होगी, अब कुछ कॉन्क्रीट भी तो बताओ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बच्चों, आप ना अपने काम पर बस ध्यान देते जाओ, आपको जो होमवर्क मिल रहा है करते जाओ, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, यही तरीका है। धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। जब आप चैप्टर पहली बार पढ़ते हो ना, पहली बार में क्लियर नहीं होता है। जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप में से कई बच्चों की 11th क्लास को शायद 1 महीना या 20 दिन बीत चुके हैं, राइट। आपने डे 1 पे जो चीज़ें पढ़ी थी कि आपको उसी दिन समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं आई होंगी, लेकिन आप अब देखोगे ना उसको, अब आपको थोड़ा क्लियर पहले से ज़्यादा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्लियर पूरी तरह से हो गया होगा, लेकिन पहले से तो ज़्यादा ही क्लियर होगा, राइट। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाओगे ना, चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। तो लेट से आप एलएलएम पे जब पहुंच के खत्म करोगे ना, तब आपको एनएलएम समझ नहीं आएगा क्या चला गया ये, लेकिन आपको तब तक काइनेमेटिक्स थोड़ा समझ में आना चालू हो गया होगा। और जेई प्रिपरेशन ऐसी ही चलती है कि आगे बढ़े पीछे का क्लियर होता गया, आगे बढ़े पीछे का क्लियर होता गया, और जब लास्ट में हम आ जाते हैं तब सब चीज़ें रिवाइज करके एकदम बढ़िया करके हम एग्जाम देने जाते हैं। और इसीलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा बीच में तैयारी छोड़ देता है ना, जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, पढ़ता ही नहीं है, या जिसने बीच में ही छोड़ दी कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, वो ये साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है। हर बच्चा कन्फ्यूजन के थ्रू ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को बहुत कुछ आता है। मैं जब 11th 12th में था, मैं तो फिर भी बहुत चीज़ें करके आ रहा था पहले से, ठीक है। मुझे फिजिक्स 11th 12th की काफ़ी सारी पहले से आती थी, और मुझे सच में आती थी। मैं इन बच्चों जैसा नहीं था कि बस एक दो चैप्टर पढ़ के सर सर कर रहा हूँ, मेरे को सच में चीज़ें आती थी। लेकिन फिर भी कई चीज़ें नहीं भी आती थी, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा मैं कि यार कुछ चीज़ें मुझे आती है, वेरी गुड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को दबाना है, दूसरों की मदद करनी है, ठीक है। इसीलिए मैं चैनल भी चलाता हूँ। कुछ चीज़ें नहीं आती तो उनको एक्सेप्ट करके सीखने की मेरे अंदर ललक थी। तो सभी टॉपर्स वाले बच्चों को भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप बच्चों को तंग ना करें। अगर आपको कोई चीज़ आती है अपने तक रखें, आप अपना जलवा जेई के दिन दिखाओ ना, आप टेस्ट के अंदर अपना जलवा दिखाओ। आपको क्लास को नीचा दिखा के क्या मिल रहा है, अगर तुम में सच में दम है तो टेस्ट में नंबर लाओ, जेई में रैंक लाना ना, AIR 1 लाना तुम, ठीक है। तब तक आपको थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए। जो बच्चे कमज़ोर चल रहे हैं, जिनका नहीं आता इतना स्कोर बिकॉज, या जिनको नहीं चीज़ें समझ में आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। और अगर आपको और हेल्प चाहिए समझने में चीज़ें, तो एक काफ़ी अच्छा रिसोर्स मैं बताने वाला हूँ। आप हमारे अकेडमिक्स के JEE 2024 कोर्स में एनरोल हो जाइए, डिस्काउंट चल रहा है उस पर 24 जून तक ही, ओके। क्या है इस कोर्स के अंदर, क्या ऐसा चीज़ है कि आपको हेल्प हो जाएगी, मैं बताता हूँ। आप अभी अपनी कोचिंग में जाते हो, ऑफलाइन जाते हो, ऑनलाइन जहाँ भी ऑफलाइन जाते हो, ज़्यादातर आप क्लास में गए, आपको सर ने कुछ पढ़ाया, आपको क्या उसी समय समझ में आया, नहीं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि आपको वापस से चीज़ समझनी है, वहाँ पे अकेड बूस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हमारे लेक्चर्स बने ही इसलिए हैं कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, वो एक बार फटाफट से उसको समझ के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में घुसा पाए। हमने आपको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए, उनको आप सॉल्व करिए, आपको टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको अपनी कोचिंग की चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, आपको अपनी सर की बातें समझ में आएंगी, आप अपना होमवर्क भी अच्छे से कर पाओगे। ट्रस्ट मी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे को ना ये चीज़ की ज़रूरत होती है कि यार उसके पास एक ऑल्टरनेट सोर्स होना चाहिए जहाँ से वो समझ पाए, ओके। और ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप उसको सेल्फ स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एकेडमिक बूस्ट के अंदर आपको कुछ ही चीज़ें बताई गई हैं या केवल वो रिवीजन के लिए, वो पूरा कंटेंट उसके अंदर सब कुछ है जेई का, बट यू कैन यूज इट इन दिस वे एज वेल। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इट विल टेक यू 1 स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम IIT, एंड ट्रस्ट मी, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपके कितने ही सारे सीनियर्स, अब तो 4 बैच पढ़ चुके हैं हमसे, कितने ही सारे सीनियर्स आपके हैं जो उसी कोर्स को यूज़ करके अपनी जेई प्रिपरेशन करके बहुत ही अच्छी अच्छी IITs में भी हैं, एंड इट रियली हेल्प देम इन गेटिंग क्लियर ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, क्लियर करना है, रिवीजन वगैरह, इनके लिए बहुत ज़्यादा इमेंसली यूजफुल है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, यू कैन गेट इट टुडे। समराइज कर देते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात ये बोली कि जो भी बच्चे जिनसे आप डर रहे हो ना कि यार इनको तो बहुत कुछ आता है, उनको नहीं आता है, उन्होंने केवल कुछ 4-5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर ना ईजी होते हैं, वो आपको अभी हार्ड लग रहे हैं, आप 6 महीने रुको आपको लगेगा यार ये क्या कचरा था, राइट। तो उन्होंने वो वाले चैप्टर्स पढ़ लिए, उनको आगे का कुछ नहीं आता है, वो आगे सब के सब नीचे गिरने वाले हैं, तुम केवल 5-6 महीने रुक जाओ यार, तुम अच्छा करोगे, सच में ट्रस्ट में अच्छा करोगे, ओके। दूसरी बात मैंने ये बोली कि जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आप प्लीज़ थोड़ा हम्बल रहें, ओके। आप बहुत ही जल्दी, अगर आप हम्बल नहीं होगे ना, आपको बहुत ही जल्दी हम्बल करने वाले चैप्टर आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हो जाओगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट में ज़्यादा व्यक्ति हवा में रहता है ना, उसको नीचे आने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, ओके। और जेई प्रिपरेशन इज़ वेरी हम्बलिंग इन नेचर, ठीक है। जेई प्रिपरेशन बड़े बड़ों को चुप करा देती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ
जो ओलंपियाड मेडल विनर्स हैं, गोल्ड मेडल IJSO में मेडल जीत चुके हैं, वो लोग तक को उन्होंने हम्बल कर दिया JEE ने। इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, तो कोई भी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे लिए तो JEE हलवा है, आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड बात ये बोली कि जो बच्चे अभी चीज़ें समझ नहीं पा रहे, आपको केवल थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ों को धीरे 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 करते जाना है, वापस वापस पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है। ट्रस्ट मी, 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने में तुम्हें खुद दिखेगा कि बाकी बच्चे पिछड़ने लग गए और तुम आगे बढ़ने लग गए। सच में 6 महीने का मतलब, मैं तो कहूँगा कि कौन IIT जाएगा कौन नहीं जाएगा ना, वो पहले 6 महीने में ही पता चल जाता है टीचर्स कि यार ये बच्चा IIT जाएगा, ये बच्चा नहीं जाएगा, इतना क्लियर हो जाता है, क्योंकि दिख जाता है कि कौन बच्चा मेहनत करने को तैयार है और कौन बच्चा हार मान गया, कौन बच्चा अपने आप में ही खुश है, ठीक है। और अगर आपको अपनी जो टॉपिक्स क्लियर करने में हेल्प चाहिए, आपको अपनी JEE प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बेस्ट रिसोर्स चाहिए जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, तो आपको अकेडमिक्स के JEE 2024 कोर्स में एनरोल अवश्य होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप पुराने लेक्चर्स, 12th के लेक्चर्स किसी को देखने हो, किसी को 11th का पुराना कुछ रिवाइज करना हो, सब कुछ तुम चाहो जब कर सकते हो, कि हम सब कुछ वी गिव इट टू यू ऑन day 1 itself, ठीक है। तो आई डोंट थिंक देर कैन बी अ बेटर रिसोर्स फॉर प्रिपरेशन फॉर योर JEE, बिकॉज यू विल बी गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम मी पर्सनली, ठीक है। मेरा सारा एक्सपीरियंस यूज करके वो कोर्स बना हुआ है और उसमें मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया भी आपको खुद भी, ओके। तो व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, क्योंकि आप चाहते क्यों कि यार आप IIT बॉम्बे CSE में जाओ, AIR बना आप लाओ, आप चाहते तो यही हो ना, इंडियन सबके दिल में तो यही है, वो आपको खुद मिल रही है वो चीज़ फ्रॉम समवन हु हैज अचीव्ड दीज थिंग्स, ओके। सो आई थिंक एवरीवन शुड हैव इट इन देयर आर्सेनल ऑफ वेपन्स फॉर देयर JEE प्रिपरेशन, है ना। डिस्क्रिप्शन में जाके 24 जून से पहले एनरोल हो जाएगा। आपको मेरे सोशल्स वगैरह करके सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। गुड लक और पढ़ते रहो यार, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है कि मेरे बगल वाले बच्चे ने हाथ खड़ा करके जवाब दे दिया जल्दी, मैं भी बहुत घबराता था इस चीज़ से एक ज़माने में, ठीक है। मेरे बैच में भी कुछ बच्चे थे ऐसे, जब मैं 9th 10th में था तब की बात है, 11th 12th में तो हालांकि मैं वो हाथ खड़ा करने वाला बच्चा बन गया था, लेकिन एक समय था जब मेरे साथ कुछ बच्चे थे जो हाथ खड़ा करके मुझसे आगे रहते थे, धीरे धीरे मेहनत की आगे बढ़ गए उनसे, आज वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो लाइफ बहुत लंबी है, बहुत लंबी रेस है ये, ठीक है। मैं भी अभी 23 साल के ही हुआ हूँ, मेरे को भी बहुत कुछ देखना है, बट आप लोग शायद भी 16-17 साल के हो गए, मैं आपसे कुछ चीज़ें ज़्यादा जानता हूँ थोड़ी बहुत, है ना। हालांकि आपके पेरेंट्स शायद मुझसे भी काफ़ी चीज़ें ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात गारंटीड कह रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा है ना कि यार हम अभी बहुत नीचे है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतना लंबा रेस है ना अभी, क्योंकि बहुत चीज़ें बची है। अभी आपका JEE प्रिपरेशन बचा है, फिर आप IIT में जाओगे, IIT में कोई ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती है ना, IIT में भी आपको 4 साल रहना है, वहाँ पे कौन मेहनत करता है, वहाँ पे कौन सही गेम खेलता है वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में कौन सही गेम खेलता है, बहुत लंबी रेस है ये, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी डिटरमाइन हो रहा है कि कौन आगे जाएगा, ठीक है, बहुत बहुत टाइम है आगे आपके पास, ठीक है। और अगर ऐसा है भी ना कि आप अगले 5-6 महीने में इंप्रूव नहीं कर पाते हो, अगर आप लगे रहोगे ना, जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो हो सकता है कि 11th में आपसे आगे रह जाए, हो सकता है वो 12th में आपसे आगे रह जाए, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप उनसे आगे अवश्य निकलोगे, ठीक है। तो गुड लक यार, बाय।